Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So, in this video lecture, I am going to tell you about diabetes mellitus and diabetes insipidus. So, what actually happens in diabetes mellitus? It is a type of disorder which occurs due to deficiency of insulin hormone. जब इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और आपकी बॉडी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और उस ग्लूकोज को के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी डेफिशिएंसी होने लगती है और जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है स्टूडेंट्स, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। तो आपको स्टूडेंट्स क्या पॉइंट मेमोराइज करना है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये सिक्रेट होता है बाय पेंक्रियास। पेंक्रियास से सिक्रेट होता है स्टूडेंट्स ये। और अगर हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो यहाँ पे एडीएच हार्मोन का सिक्रीशन नहीं होता है, जिसको कि मैं ऑलरेडी आपको एक एडीएच के सेपरेट वीडियो में बता चुकी हूँ। दैट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड दिस एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। इसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलेंगे। और स्टूडेंट्स, डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में वैसोप्रेसिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एडीएच नाम का हार्मोन। और दूसरी बात हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, डायबिटीज मेलाइटिस में जो एक्सक्रीशन है, यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें शुगर भी पास होने लगती है। एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन यूरिन, दिस इज अ की पॉइंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, कि जो पे पर्सन की जो यूरिन होगी उसमें शुगर पास होने लगेगी। एक्सक्रीशन ऑफ शुगर इन यूरिन स्टूडेंट्स, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट इज द इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो उस पर्सन के जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होगा वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताते हैं डायबिटीज मेलाइट इंसिपिडस का, हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ डायलूट और हाइपोटोनिक यूरिन बनेगी, यहाँ पे जो हमारा यूरिन का अमाउंट होगा वो बढ़ जाता है, तभी हम लोग इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन। बट देयर विल बी नो शुगर। डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में यूरिन में शुगर पास नहीं होती, नो शुगर इन यूरिन। और यहाँ पे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है स्टूडेंट्स वो भी नहीं बढ़ेगा। ब्लड शुगर लेवल जो है हमारी बॉडी का, किसी भी पर्सन की बॉडी का, वो भी नहीं बढ़ेगा, तो कोई भी इंक्रीज नहीं होने वाला है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपको की पॉइंट स्टूडेंट्स क्या याद रखना होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी या फिर वो सिक्रीट बिल्कुल भी नहीं होगा, फेलियर हो जाएगा सिक्रीशन का, और यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन। सो दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।